नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पारस यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैन ब्लेज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त वीडियो, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस विद मेगा जीएल टीम्स टिप्स ऑफ साउदर्न ब्रेव वर्सेज नॉर्दर्न सुपर चार्जर 21st मैच ऑफ दी 100, जो कि खेला जाएगा 7 अगस्त को रात 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार द रोज़ बाउल साउथैम्प्टन में। इससे पहले हम अपने मैच प्रीव्यू पर चले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। साथ में सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारी फैनब्लेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स मिलते रहें। और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर आर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, कल का मैच आपका बहुत अच्छा गया होगा, जहां हमारी मैच प्रेडिक्शन 10 रॉकेट मैच जीतेगी वो बिल्कुल ठीक गई, और साथ में हमारे मेगा जील कैप्टन एस कैप्टन की चॉइसिस वहाब रियाज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और हमारी सभी मिस पिक ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली ग्लेन फिलिप्स ने। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपना मैच प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या रहेगी हमारी ग्राउंड पिच रिपोर्ट। यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक के साथ इनिशियल हेल्प पेसर्स को प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट हाफ में बैटिंग करना आसान होता है, लेटर ऑन फास्ट बॉलर जो वेरिएशन यूज़ करते हैं और स्पिनर्स को इस पिच से काफ़ी असिस्ट मिलता है, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में। लास्ट जोन मैचों की बात करें दोस्तों, तो इस वेन्यू पर एवरेज स्कोर रहा है 155 से 175 के बीच में। बैटिंग फर्स्ट मैच जीते हैं 34, सेकंड जीते हैं 18, एक मैच टाई रहा है, एक का कोई नतीजा नहीं आया है। लास्ट मैच की बात करें जो इस ग्राउंड पर खेला गया इस टूर्नामेंट में, 30 जुलाई को खेला गया था, बर्मिंगम फ्योनिक्स वर्सेज साउदर्न ब्रेव के बीच में, जहाँ पर बर्मिंगम ने 152 रन बनाए, वहीं साउदर्न ब्रेव ने 152 का लक्ष्य 4 विकेट से जीत लिया मैच। और इसमें टॉप परफॉर्मर रहे लिनटोट 2 विकेट, टाइमल विल्स 1 विकेट, जेम्स विंस 60 रन की शानदार पारी खेली कप्तानी, और जॉर्डन ने 17 रन की नाबाद पारी बैटिंग से योगदान दिया, विकेट हालांकि वो ले नहीं पाए। इस मैच में हम विकेट फॉलोइंग रेशियो की बात करें दोस्तों, तो 5 विकेट गए पेसर को और 4 गए स्पिनर को, तो बैलेंस रहा, किसी साइड को एडवांटेज नहीं रहा, मतलब पेसर और स्पिनर्स दोनों को आपको बराबर अपनी टीम में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो रोज़ बाउल साउथैम्प्टन के आज मॉडरेट बारिश की संभावना है, विद मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस, और रेन फेलिंग रहेगी 10.80 मिलीमीटर, तो मैच शॉर्टन हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रहे अपनी फैंटेसी टीम बनाते हुए, तो टॉप ऑर्डर और ओपनिंग बॉलर्स को अपनी टीम में ज़रूर रखिए। अब देखते हैं इस वेन्यू पर टॉप परफॉर्मर कौन है। साउदर्न ब्रेव की तरफ से इस वेन्यू पर टॉप परफॉर्मर हैं जेम्स विंस, हाईएस्ट रन स्कोरर, 50 मैचों में 1404 रन बनाए, 30.52 की शानदार एवरेज से हाईएस्ट स्कोर 102। लियाम डेविसन 9th हाईएस्ट रन स्कोरर ऑन दिस वेन्यू, 33 मैचों में 329 रन बनाए हैं 17 के एवरेज से, और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी इस वेन्यू पर, 33 मैचों में 41 विकेट लिए हैं 20 की शानदार एवरेज से, और 5 भी इसी वेन्यू पर लिए हैं। अगर ये खेलते हैं इस मैच में तो आपके ग्रैंड लीग की पंट पिक होंगे। पॉल स्टर्लिंग की बात करें दोस्तों, तो 26th हाईएस्ट रन स्कोरर इस वेन्यू पर, 6 मैचों में 144 रन बनाए हैं, हाई स्कोर है 64। अब ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगी। डैनी ब्रिक्स 3rd हाईस्ट विकेट टेकर इस वेन्यू पर, 23 मैचों में 40 विकेट लिए 15 की शानदार एवरेज से, 4 भी इसी वेन्यू पर लिया। अगर ये टीम में आते हैं डेविसन की जगह, क्योंकि डेविसन को लास्ट मैच में इंजरी हो गई थी, अगर फिट नहीं होते हैं तो ब्रिक्स के आने के हाई चांसेस हैं, तो आपकी ग्रैंड लीग की वाइस कैप्टन की चॉइस होंगी। टाइमल मिल्स 36th हाईस्ट विकेट टेकर ऑन दिस वेन्यू, 4 मैचेस 5 विकेट, एवरेज 23, ये भी आपकी ग्रैंड लीग की पंट पिक होंगे। जेक लिनटोट 42nd हाईएस्ट विकेट ऑन दिस वेन्यू, 3 मैचों में 4 विकेट लिए 17 के एवरेज से, ये भी आपकी मस्ट पिक रहेंगे साउदर्न ब्रेव की तरफ से। अब देखते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से इस वेन्यू पर टॉप परफॉर्मर्स कौन है। जॉन सिम्पसन 15th हाईएस्ट रन स्कोर ऑन दिस वेन्यू, 7 मैचों में 220 रन बनाए, 44 की शानदार एवरेज से हाई स्कोर है 54। वहीं बॉलिंग से बात करें, आदिल रशीद ने 5 मैचों में 6 विकेट लिए 18 की शानदार एवरेज से, 3 भी इसी वेन्यू पर लिया है। मुजीबुर रहमान ने 6 मैच खेले इस वेन्यू पर, 5 विकेट लिए 28 की शानदार एवरेज से, तो उनको इस वेन्यू का अच्छा खासा अनुभव है, वो आपके ग्रैंड लीग की मस्ट पिक रहेंगी। डेविड विली ने 2 मैचों में 4 विकेट लिए 15 की शानदार एवरेज से, 3 भी इसी वेन्यू पर लिया है, ये भी आपकी ग्रैंड लीग को संभाल लीग की दोनों की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस रहेंगी। अब देखते हैं दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर क्या है स्टैंडिंग्स। नॉर्दर्न सुपर चार्जर 4th पोजीशन में है, 5 मैचों में 2 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं, एक मैच का कोई नतीजा नहीं आया है, और उनके 5 पॉइंट हैं। साउदर्न ब्रेव
सिक्स पोजीशन पर 5 मैचों में 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं, एक का कोई नतीजा नहीं है, उनके भी 5 पॉइंट है। तो ये मैच आपको बराबरी का देखने को मिलेगा, हालांकि साउथ ब्रेव को होम वेन्यू का एडवांटेज रहेगा। अब देखते हैं दोनों टीमों की क्या रहेगी प्रोबेबल 11। पहले देखते हैं साउथ ब्रेव की प्रोबेबल 11 क्या रह सकती है। इस टीम में कोई चेंज की संभावना नहीं है क्योंकि पिछले मैच रद्द हो गया था इस टीम का बारिश के कारण। तो अब हम मस्ट पिक की बात करते हैं। क्विंटन डिको हमारी मस्ट पिक रहेंगे, जिनकी रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है और विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। पॉल स्टेरलिंग, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे, वो भी आपकी मस्ट पिक रहेंगी। इवन ग्रैंड लीग में आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी रहेंगी। जेम्स विंस, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और कप्तान है टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे, ये भी आपकी मस्ट पिक रहेंगी। फोर्थ मस्ट पिक रहेगी हमारी क्रिस जॉर्डन, जो डेथ बॉलिंग भी कराते हैं और आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। जेक लिनटॉट, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और वो भी आपकी मस्ट पिक में रहेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पंट पिक की। ग्रैंड लीग की पंट पिक रहेगी लियाम डेविसन, अगर खेलते हैं, अगर फिट होते हैं वो, और डैनी ब्रिक्स अगर टीम में आते हैं तो आपकी ग्रैंड लीग की पंट पिक होंगी। और टाइमल मिल्स आपकी ग्रैंड लीग की ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं रिसेंटली। और अगर आप टॉप ऑर्डर मिस करते हैं तो एलेक्स डेविस आपकी ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे और काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। अब देखते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है। अगर फैफ डु प्लेसिस फिट होते हैं तो डेन विलास की जगह आएंगे तो आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की दोनों टीमों में मस्ट पिक होंगी। अब बात करते हैं मस्ट पिक किस टीम से। क्रिस लिन हमारी मस्ट पिक रहेंगे, जिनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन वो ऐसे बैट्समैन जिस दिन वो होते हैं तो 40-50 रन मिनटों में बना देते हैं। अब बात करते हैं हैरी ब्रुक की, जो काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, काफ़ी शानदार फॉर्म चल रहा है, टैलेंटेड बैट्समैन, ये भी हमारे मस्ट पिक रहेंगे। डेविड विली कप्तान ही कर रहे हैं टीम की और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है और वेन्यू रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ये भी हमारी मस्ट पिक रहेंगी। फोर्थ मस्ट पिक रहेंगे हमारी मुजीबुर्रहमान, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और अपनी लय में दिख रहे हैं रिसेंटली। और पाँचवीं मस्ट पिक रहेंगे आदिल रशीद, जिनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है और विकेट टेकिंग लेग ब्रेक बॉलर है। अब ग्रैंड लीग की पंट पिक की बात करें तो एडम लिथ आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आपकी ग्रैंड लीग की पंट पिक रहेंगे। और ऑलराउंडर सेक्शन से बेन रेन आपकी ग्रैंड लीग की पंट पिक रहेंगे। बॉलिंग से ब्राइडन कार्स और मैटी पॉट्स में से कोई एक आपकी ग्रैंड लीग की पंट पिक रहेंगे। अगर कैलम पार्किंसन टीम में आते हैं वो भी आपकी ग्रैंड लीग की पिक होंगे, जिसकी आने की संभावना ना के बराबर है। अब देखते हैं हम क्या रहेगी हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस इस मैच के लिए। साउथम्पटन ब्रेव की तरफ से हमारे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेंगे क्विंटन डिकॉक, सेकंड सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेंगे जेम्स विंस, डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेंगे पॉल स्टेरलिंग, क्रिस जॉर्डन, मेगा जियर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेंगे जेक लिनटॉट, टाइमल मिल्स। अब देखते हैं दोस्तों क्या रहेगी हमारी सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे हैरी ब्रुक नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से, डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे डेविड विली, आदिल रशीद, मेगा जीएल कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे क्रिस लिन, मुजीबुर्रहमान, मैटी पोट्स और बेनी रेन में से कोई एक। अब चलते हैं अपने मैच प्रडिक्शन पे। तो मैच प्रडिक्शन की बात करें दोस्तों तो साउथम्पटन ब्रेव इस मैच के लिए फेवरेट रहेगी अपनी होम वेन्यू पर जीतने के लिए। अब स्ट्रेटेजीज की बात करें दोस्तों तो स्मॉल लीग और हेड कॉन्टेस्ट में हमें 6-5 का बैलेंस कॉम्बो ट्राई करना चाहिए, जहाँ हमें इनफॉर्म टॉप ऑर्डर बैट्समैन को एज ए कैप्टन ट्राई करना चाहिए और वाइस कैप्टनसी विकेट टेकिंग ऑलराउंडर को देनी चाहिए। मेगा जीएल कॉन्टेस्ट में हमें 7-4 का बैलेंस कॉम्बो ट्राई करना चाहिए, स्पेशली इन फेवर ऑफ नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, जहाँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी हमें बॉलिंग ऑलराउंडर को देनी चाहिए, वाइस कैप्टनसी हम इनफॉर्म टॉप ऑर्डर बैट्समैन को दे सकते हैं। अगर मेगा जील में यूनिट टीम ट्राई कर रहे हैं तो दोनों टीमों के आप इनफॉर्म टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लें, विकेट टेकिंग बॉलर को लें, स्पेशली दोनों टीमों के स्पिनर्स को लें, डेथ बॉलर को लें और ऑलराउंडर का बैलेंस रखें। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसमें आप स्पिनर और ऑलराउंडर को दे सकते हैं। और एक टीम ऐसी भी ट्राई करें क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है आज साउथहैम्पटन में, जिसमें टॉप ऑर्डर दोनों टीमों का मिस करेंगे आप, और मिडल ऑर्डर को पर फोकस करके कैप्टनसी आप ऑलराउंडर को और विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर को दे सकते हैं इस टीम में। इस तरह आप डिफेंस स्ट्रेटेजी और कॉम्बो बनाकर बल्लेबाजी ऐप पर मेगा जेल कॉन्टेस्ट में 11 टीमों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छी खासी विनिंग ग्रैब कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या रहेगी हमारी टेंटेटिव बल्लेबाजी फैंटेसी टीम। टीम वन रहेगी हमारी मेगा जेल के लिए, जो इस प्रकार रहेगी, जिसमें क्विंटन डिकॉक हमारे विकेट कीपर हैं, एलेक्स डेविस हमारे सेकंड विकेट कीपर हैं, बैट्समैन है क्रिस लिन,
हैरी ब्रुक, जेम्स विंस। ऑलराउंडर्स हैं क्रिस जॉर्डन, डेविड विली। बॉलर्स हैं आदिल रशीद, मैटी पोट्स, जेकलिन टोट, टाइमल मिल्स। कैप्टनसी मारी गई है जेम्स विंस को, वाइस कैप्टनसी की है क्रिस जॉर्डन को। इस टीम में आप पॉल स्टेरलिंग को भी जरूर रखें। टीम टू रहेगी हमारी मालिक और हेड टू हेड के लिए जो इस प्रकार होगी, जहां हमारे विकेट कीपर हैं क्विंटन डी कॉक, बैट्समैन है जेम्स विंस, एडम लिथ, हैरी ब्रुक, ऑलराउंडर्स हैं डेविड विली, रेन, क्रिस जॉर्डन, बॉलर्स हैं मुजीबुर रहमान, आदिल रशीद, जेकलिन टोट, टाइमल मिल्स। कैप्टनसी की हमारी डेविड विली को, वाइस कैप्टनसी की आदिल रशीद को। इसमें आप कैप्टनसी आदिल रशीद और वाइस कैप्टनसी हैरी ब्रुक को भी दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस कौन होंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहें और मचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।